पंचायत चुनाव में क्या जरूरत पड़ गई छोड़ करके मुखिया माने क्या जरूरत पड़ गया? हम नहीं छोड़े हैं, जनता छुड़वाया है कि आप मुखिया पद से आइए, आपका काम देख करके हम लोग खुश हैं। जनता को मांग पर आप मुखिया में आए ना जी, अगर मुखिया के लिए जनता का आशीर्वाद मिलता है तो पहला काम क्या होगा? पहला काम रोड और नाली का दुरुस्त करना होगा, काम शिक्षा स्वास्थ्य। 6.5 साल समय मिला मुखिया का, 5 साल मिला पर 1.5 साल एक्स्ट्रा मिला कोरोना काल की वजह से टाइम बढ़ा, और 6.5 साल में आपका पंचायत का कितना विकास हुआ, किस नजरिया से आप देखते हैं अपना पंचायत को विकास के लिए? फंड तो आया बराबर, फंड आया सभी पंचायत बराबर करीब करीब आया, फंड का दुरुपयोग किया गया, जनउपयोगी योजना में क्या क्या बताएंगे आप जो कि पंचायत में हुआ है? कितना खुश है यहाँ पंचायत की जनता? आप क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, आपसे बताता भी लोग होगा कि हाँ ये काम बाकी लग गया, ये काम से खुश रहते तो बदलाव तो नहीं करता, जनता बदलाव के मूड में है, हाँ हम जा रहे हैं। आपका पहला क्या काम होगा, क्या क्या काम कीजिएगा आप, क्या कुछ मन में बनाए होंगे या लोग जाते हो, आप जाते हो क्षेत्र में सभी लोग बताता हुआ कि हाँ ये काम कर दिया है, बहुत सुनने को मिलता है। पहला काम तो रोड और नाली को दुरुस्त करना है, इसके बाद 60 फुट गया वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, इसका समय पर कराना, समय पर वृद्धा पेंशन दिलाना, और शिक्षा पर जोर देना, समय पर मास्टर आने पढ़ाई। ये नीलाम्बर पीताम्बरपुर नया नाम बदल गया है, और कोट पंचायत जो है नीलाम्बर पीताम्बरपुर के हृदय स्थलीय कहिए हृदय स्थलीय पंचायत माना जाएगा, तो सुंदरीकरण के लिए आप क्या करेंगे? मेरा पंचायत देसलीगंज प्रखंड में सुमन की कमजोर रहेगा, 5 साल देसलीगंज में वन पीस होगा तो जरूर मॉडल पंचायत बनेगा। हाँ। अकेला पंचायत होना मतलब मॉडल पंचायत बनेगा, इनका ये सपना है अरविंद कुमार जी का, और कुछ यहाँ पर इनके साथ समर्थक भी हैं, इनका भी राय जानेंगे, जानना चाहेंगे कि कोट पंचायत का कितना विकास हुआ, तो हमारे साथ बताएंगे कुछ कोट पंचायत का कितना विकास हुआ? विकास तो बना है लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाया, गुणवत्ता से बना है, गुणवत्ता बिल्कुल नहीं। कोट पंचायत का जितना क्या चाहिए पूरा कोट पंचायत की जनता आपकी बार क्या चाहिए पंचायत चुनाव में? कोई ऐसा जो भी उम्मीदवार हो जो कि लोगों के तकलीफ को समझे और जो सही विकास का काम है उसको धरती पर लावे। कोई यहाँ पर 8 प्रत्याशी हैं, आपका योग्य उम्मीदवार में आपकी नज़र में कौन है? हमारे नज़र में है जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ अरविंद कुमार दुबे। कुछ कुछ हुआ लेकिन संतोष नहीं, आपकी बात क्या कर रहे हो? वोट पंचायत में कितना विकास हुआ है बाबा? विकास यही हुआ है जिसका पक्का का मकान है उसी को मिला, यही विकास हुआ, यही विकास है, रोड नाली पानी की व्यवस्था। अरे ये तो स्वाभाविक चीज है, तो होते ही रहता है। दूसरा है कि हम आज 20 वर्ष से दूसरे के मकान में रह रहा हूँ, पीला कार्ड है मेरे पास, लेकिन आज तक कोई खोज खबर नहीं लिया ना। मुखिया से बोल रहे, मुखिया बोलता है कि का कीजिएगा आप, घर 20 साल से हम दूसरे के मकान में रहते हैं, यही विकास है। नाम क्या बोलिए? हम दूसरे के मकान में रहते हैं 20 साल से, मेरा पीला कार्ड भी है, मुखिया बोलते हैं क्या कीजिएगा आवास लेकर के, ऐसे कई लोग हैं और समस्या जानते हैं कोट पंचायत में कितना हुआ है। हम केवल विकास की बात करें, किसी प्रत्याशी पर मेरा या कैपिटल न्यूज का कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन कैपिटल न्यूज है हकीकत जानेगा, इसलिए तो कैपिटल न्यूज स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष है।
कितना विकास हो कोट पंचायत हम ना बता पा रहे यह सब बताते हैं कितना विकास हो बा। लगता है कि गुस्से में है ये, गुस्सा के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, करें कितना विकास हुआ हम ना बताओ पर हम सबसे पूछ लियो। कैपिटल न्यूज आप सभी दर्शक से अपील करता है कि आप जब 24 मई को मतदान के लिए जाएं तो योग प्रत्याशी के पक्ष में अपना मत दें और अपना बहुमूल्य मत जो है अवश्य दें।